हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेकंड एपिसोड ऑफ फिल्मी न्यूज। तो आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड से आए काफी सारे अपडेट्स के बारे में। तो यदि अगर कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल से आए हुए काफी सारे अपडेट्स के बारे में, जहां सबसे पहले अपडेट आया थोर लव एंड थंडर मूवी से। तो जेन फोस्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस नैथली पोर्टमैन ने एक इंटरव्यू में यह बताया कि इस मूवी में हमें एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलेगा थोर और जेन फोस्टर के रिलेशनशिप से लेकर ब्रेकअप तक का, जो कि मूवी के फनी सीन में से एक होगा। वहीं ब्लैक पैंथर 2 मूवी से सूर्य का न्यू लुक सामने आया है, जो कि मूवी के मर्चेंडाइज से लीक हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और डेडपूल 3 से अपडेट निकल कर आई है कि इस मूवी के लिए एंड गेम के आर्ट डायरेक्टर रेमंड चान को प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए हायर किया गया है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मूवी में हमें कमाल कमाल की लोकेशन देखने को मिलेगी। और अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी भी अपनी पुरानी 2 मूवी की तरह ही आर रेटेड होगी। मैं तो भाई डेडपूल 3 मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, यदि आप हो तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे अब नेक्स्ट अपडेट पर आ जाए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से इल्यूमिनाटी का फर्स्ट प्रोमो आर्ट सामने आया है, जिसे मार्वल वालों की तरफ से ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और साथ ही इस मूवी से अर्थ 838 का एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया है, जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज के साथ वोंग को भी देख सकते हैं। यानी पहले वोंग भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मल्टीवर्सल ट्रेवल करने वाला होगा, लेकिन स्टूडियो को यह आइडिया पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और इसी के साथ साथ डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज सी हल्क से जेनिफर पोल्टर की डबल आइडेंटिटी का प्रोमो भी ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अपडेट निकल कर आई है कि मार्वल इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, क्योंकि मार्वल वाले इस बार अपने काफी सारे प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट डिज्नी प्लस डे पर करने वाले हैं। तो मे भी हो सकता है कि वे इसी कारण से सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 को स्किप कर रहे हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं डीसी की ओर से आई सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। तो टॉड फिलिप्स की जोकर मूवी की सक्सेस के बाद ये तो कंफर्म हो चुका था कि इस मूवी का सीक्वल बनने वाला है, लेकिन इस मूवी के सीक्वल से अपडेट निकल कर आई है कि इस मूवी का सीक्वल डेवलपमेंट में है, जिसकी जानकारी खुद टॉड फिलिप्स ने दी है, जहां टॉड फिलिप्स ने इस मूवी की स्क्रिप्ट का कवर फोटो शेयर करते हुए यह कंफर्म किया है। और डीसी से एक और अपडेट की बात करें तो एचबीओ मैक्स की एनिमेटेड सीरीज हार्ली क्विन का सीजन 3 हमें जल्दी एचबीओ मैक्स पर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एक गुड न्यूज निकल कर आई है द बॉयज के सीजन 4 से, जहां स्टूडियो ने इसके सीजन 3 के सक्सेस को देखते हुए इसके सीजन 4 को भी रिन्यू कर दिया है। साथ ही कार्ल अर्बन यानी अपने बिली बूचर की एनिमेटेड मूवी द सी बीस्ट नेटफ्लिक्स पर 8 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जो कि एक कमाल की एडवेंचर मूवी होगी। वहीं आज की लास्ट अपडेट के बारे में बात करें तो कोबरा गाई के क्रिएटर वीडियो गेम ड्यूक नुकन की एक लाइव एक्शन मूवी बनाने वाले हैं, जिस पर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि लेजेंडरी पिक्चर्स के अंडर आएगी। तो भाई ये थी हॉलीवुड की ओर से आई काफी सारी अपडेट। आई होप कि आप अपडेटेड हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।